हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.2 बी के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो बेसिक्स लगता है वो भी इस लेक्चर में लेंगे और साथ ही में वो क्वेश्चंस भी लेंगे। बेसिक्स उसका कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको यह सीखना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के साथ आपको ट्रिगो के फॉर्मूलाज आने चाहिए जो कि मैं लेक्चर में बता दूंगा, वही यूज होंगे, ठीक है, नया कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हमने ऐसा सेम टू सेम थोड़ा बहुत प्रोसेस है ना कहा किया था हमने इनवर्स में किया हुआ ये प्रोसेस जब डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस किया था, तो हमने ये थोड़ा बहुत किया हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा ऐसा, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ भी वही यूज होगा लेकिन कुछ तरीका अलग होगा, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ सब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कुछ भी उठा के नहीं चलेगा, जो स्टैंडर्ड है वही यूज होगा, ठीक है। चलो जैसे सपोज आपको ये दिखता है तो यहाँ आपको पता है कि ये 1 - x² है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो सकता है, आप अगर यहाँ a sin थीटा डालो तो a स्क्वायर हो जाएगा और sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिससे कि a स्क्वायर कॉमन निकल के यहाँ हो जाएगा √1 - sin² थीटा, जिसको आप बड़े आसानी से cos स्क्वायर थीटा लिख लोगे रूट के अंदर, तो ये रूट को खत्म कर देगा, तो आपका आंसर a cos थीटा हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप यहाँ x की जगह a sin थीटा डालो या a cos थीटा डालो दोनों चलेगा, ठीक है। यहाँ ऐसे ही √a² + x² है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं डालू x की जगह a tan² थीटा, ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। x की जगह a tan थीटा डालूंगा ना, तो इसे भी स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर प्लस, तो देखो a² कॉमन तो √a², ठीक है, और यह हो जाएगा 1 + tan² थीटा। तो अब देखो ये 1 + tan² थीटा क्या होता है, तो यह हो जाएगा √a² और sec² थीटा, तो a sec² बाहर। बस सेम टू सेम ऐसा ही आपको अगर ये मिल जाए माइनस में, तो आपको पता है कि 1 + tan² थीटा जैसे होता है sec² थीटा, वैसे ही tan² थीटा होता है 1 - sec² थीटा - 1, ठीक है। तो आप अगर a पीछे हो और आगे x हो तो x की जगह डाल दो a square sec² थीटा बन जाएगा, ठीक है, इसमें डालने के बाद, और ये स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बाकी प्रोसेस सेम टू सेम, ठीक है, समझ रहे हो। वैसे ही यहाँ आप डालोगे ऊपर नीचे cos² थीटा, क्यों बोला ऐसा, चलो ये देखते हैं। ये तो सेक वाला तो सेम टू सेम है टैन जैसा अभी जैसे मैंने बताया, ये देखते हैं। तो a - x / a + x, ठीक है, यह हो जाएगा dx, ठीक है। आप ये करके देखना जरूर, नहीं समझा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। वैसे आसान ही है, आप जैसे ही a sec² डालोगे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा sec² थीटा - 1 जो कि tan बन जाएगा, तो आपका आंसर बाहर आएगा a tan थीटा, ठीक है, इससे बाहर, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देखो a - x / a + x है, तो आप x की जगह जब डालोगे तो a - a cos² थीटा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा a + a cos² थीटा, ठीक है। अब सर यहाँ तो स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, कैसे निकालोगे आप बाहर? अरे कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है बच्चों, चलो देखो कैसे। देखो यहाँ हो जाएगा 2 थीटा, यहाँ √, तो a कॉमन आ जाएगा, कैसे लिख सकते हैं a, और यह हो गया 1 - cos² थीटा। आपको समझ गया होगा, आप समझ गए, अब आप समझ गए, मैं जानता हूँ आप आधे बच्चे तो समझ गए, ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में लास्ट फॉर्मूला जो था वो यही यूज हुआ था, शायद लास्ट के पहले का सेकेंड लास्ट या लास्ट, ठीक है। देखो 1 - cos² थीटा होता है बेटा a है ना, a तो आ गया बाहर, ठीक, पहली बात तो a तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे लिखना ही है, मैं बोलता हूँ खत्म कर दो, वापस से लिखो मत। यह हो जाएगा sin² थीटा, ठीक है, क्योंकि 1 - cos² थीटा है sin² थीटा, 1 - cos² थीटा है sin² थीटा, 1 + cos² थीटा है cos² थीटा, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला एक्चुअली, 1 + cos² थीटा के लिए cos बनता है, 1 - cos² थीटा के लिए sin बनता है, तो इनका हो जाएगा √tan² थीटा, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यह आ गया tan थीटा, चलोगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो गया आंसर, समझ गया ना यहाँ तक, कोई दिक्कत एक बार वापस से देखो, ठीक है। चलिए मैम क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, बस हो गया इतना ही था, ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहला 1/3 + 2 sin x, 1/3 + 2 sin x, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर पिछले मेथड से तो हो जाएगा, नहीं होगा, करके देख लो, कॉस ही डिवाइड करोगे तो क्या होगा, cos² x से करना, तो ऊपर sec तो बन जाएगा, नीचे भी sec² x बन जाएगा बिल्कुल, लेकिन क्या यहाँ tan बन रहा है, नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि cos² x जब डिवाइड करोगे यहाँ यहाँ करोगे तो यहाँ आ जाएगा sec 3 + sec² x, ठीक है, यहाँ भी sec² x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, sec² x आ जाएगा, ठीक है,
लेकिन यहाँ जब cos square x से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन cos square x, तो 1 अपॉन cos एक tan और एक sec आएगा। क्या करोगे उस sec into tan का, क्या करोगे, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर था तो बात और थी। ठीक है, तो याद रखना नीचे स्क्वायर आएगा तो वही फॉर्मूला, वरना ये नई वाली मेथड। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो ये नई मेथड है, पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है ये। ठीक है, वैसे है नहीं, एक्चुअली आसान है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन ही लिख लेते, ठीक है, जैसे हमेशा हम लिखते, हो गया। अब इस साइन एक्स के साथ टैन का फॉर्मूला कौन सा जुड़ा हुआ है, देखो हमेशा टैन को पकड़ो, चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, टैन को पकड़ो। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, मतलब हम एक्चुअली जानते हैं साइन टू एक्स। ठीक है, हम एक्चुअली साइन टू एक्स जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसे हाफ कर देंगे और एक्स के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला है टू टैन एक्स बाय टू, सॉरी एक्स बाय टू है, साइन टू एक्स है, तो हाफ एंगल यानी सिर्फ एक्स आएगा। मैंने इस एक्स के लिए लगाया तो एक्स बाय टू होगा, लेकिन यहाँ टू एक्स है तो हाफ एंगल है ना एक्स, और यहाँ हो जाएगा नीचे वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स। जरूर चेक कीजिए इसे, टू टैन एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जरूर एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को जरूर देखे, ठीक है, तब आपको आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग तो आपका क्वेश्चन और जीवन खुशहाल। ठीक है, चलो हटा दो इसे, अब यहाँ इसे लिख लेते हो यहाँ। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसे कहीं साइड में। ठीक है, तो इसके लिए लगाओगे तो क्या एंगल यहाँ टू के जगह एक्स है, ठीक है, टू है ही नहीं, तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे आप कि टैन एक्स बाय टू, टैन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी। अब देखो बेटा, यहाँ आपको इसे टैन को उधर लेके जाना है, यही मेथड से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, जो ऐसा जब भी दिखे सेक वगैरह कुछ चलेगा नहीं है, यहाँ सिर्फ यही चलेगा और यही चलाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे कि ये पैटर्न दिख गया कि इस तरीके से उसको उड़ा देना। ठीक है, ये टैन उधर चले गया तो टैन इनवर्स ऑफ टी, ठीक है, तो यहाँ ये टू इधर भेज दो, तो यहाँ अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, पहले तो बोल दूँ, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उसके बाद लिखूंगा नहीं। ठीक है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यही हो रहा है करके, x बाय टू का डिफ्रेंशिएशन आ गया 1 बाय टू, क्योंकि x का 1 यहाँ आ गया 1 बाय टू, यहाँ tan इनवर्स ऑफ t का हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, और इस t को डिफ्रेंशिएट करोगे वापस से तो dt बाय dx, क्योंकि अलग वेरिएबल है ना x, तो x से जब आप दूसरे किसी को t वगैरह का डिफ्रेंशिएट करते हो, पहले tan इनवर्स उसका जो भी फंक्शन है, जैसे कि यहाँ tan इनवर्स था उसका हो गया, उसके फॉर्म में आ गया आंसर, फिर ये t को वापस से करना होता है, क्योंकि dt बाय dx 1 नहीं होता ना बेटा, dt बाय dx कैंसिल होकर 1 नहीं हो सकता है ना, dt by dx तो अलग आइडेंटिटी है, तो वो लिखना होगा, तो dx इधर आ गया। ठीक है, तो dx की वैल्यू बनाओ, 2 इधर चले गया तो 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा, फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, अब देखो आगे यहाँ तक हो गया, अब आपको क्या बताया बेटा, आपको फॉर्मूला पता है, और tan को मैंने क्या डाला है बेटा, tan x by 2 को t डाला है। ठीक है, वही फॉर्मूला अगर मैं इसके लिए लगाता हूँ sin x by 2, देखो वो क्या हो जाएगा कन्वर्ट, sin x by 2 इज इक्वल टू टू, सॉरी एक मिनट, यहाँ तो एक्स बाय फोर हो जाएगा, फिर हाफ हो गया, तो टैन साइन एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स बाय टू, यहाँ टू टैन एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाय टू। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ आंसर। ठीक है, यहाँ टू एक्स था तो एंगल हाफ हो गया, एक्स हो गया, यहाँ एक्स था तो दो बार डिवाइड बाय टू, ठीक है, एक्स बाय टू। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, आप आगे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके साथ साइन एक्स बाय टू की वैल्यू, मतलब साइन एक्स की, साइन एक्स बाय टू की, साइन एक्स इज इक्वल टू टू टैन एक्स बाय टू, ठीक है, अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाय टू। लेकिन यहाँ टैन है क्या बेटा, टैन एक्स बाय टू को तो टी बोला गया है, तो पहले क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, सिर्फ फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी से इम्प्लाइज होके ये आ गया साइन एक्स इक्वल टू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए कुछ ऐसा आप लिखते हो, ठीक है, समझ रहे हो, चलो तो टी था ना इसलिए टी लिखा। अब ये पहले क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूँ, ये लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैंने लिखा है सिर्फ आपके लिए। ठीक है, अब आप इसे ट्रांसफॉर्म करोगे, साइन एक्स की भी वैल्यू है और डी एक्स की वैल्यू लिख दो, आई इज इक्वल टू, देखो एक क्वेश्चन ध्यान से देखो, बाकी आप भी कर लोगे इसके, इतनी आसान है, फिर वन अपॉन थ्री प्लस टू है ना टू, तो टू साइन एक्स यानी टू इंटू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो डी एक्स की वैल्यू टू डी टी
अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ये टू और ये टू कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। चलो कोशिश की, बड़ी ही खराब कोशिश की है ना। चलो अब इसे सॉल्व करें आगे। अब देखो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये वन प्लस टी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा मेरे ख्याल से। ये मिटा दूँ क्या मैम, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू, देखना ध्यान से देखना, यहाँ मैं डायरेक्ट कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस ये वन प्लस टी स्क्वायर को थ्री से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री वन जा थ्री, तो यहाँ आ गया इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन थ्री थ्री वन जा थ्री प्लस ये भी वन है, ठीक है, थ्री वन जा थ्री और थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी जा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ गया प्लस प्लस 40 और ये 1 प्लस टी स्क्वायर जो अपॉन में आएगा ऐसे, ठीक है, वो ऊपर चले जाएगा, वो कहाँ चले जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 तो ऑलरेडी मैंने लिखा था, डायरेक्ट प्लस करके लिख दिया। देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ आ गया 3 1 जा 3 और ये 1 3 1 जा 3 3 टी स्क्वायर, ठीक है, और ये 40 और ये 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चले गए, ठीक है। अब ये देखो प्लस 2 बचे हमारे पास अभी भी, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2 डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। अब अगर मैं ध्यान से ध्यान दूं तो ये और ये तो बेटा कैंसिल ही हो रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक है, आप यहाँ कट मार लेना, मैं नहीं मारूँ, ठीक है, शायद आपके रीच के बाहर है थोड़ा दिखने के। अब दिख रहा है आपको क्लियर, एक बार ज़रा मैं चेक कर लूँ, ठीक है, चलो अब दिख रहा है। अब देखो यहाँ एक बात सुनना मेरी, यहाँ आई इज इक्वल टू ध्यान देना, आई इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया। अब देखो टू बाहर निकाल लो कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ये डी टी हो गया। अब ये आपको कुछ दिख रहा है क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसा, बिल्कुल। तो यहाँ है ना थ्री भी कॉमन निकालो मेरे ख्याल से, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ अगर थ्री कॉमन निकालते हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन बन गया, वा ध्यान देना, थ्री कॉमन निकल गया तो क्या हो गया अंदर, वैसे होगा ही सॉल्व, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कि पिछले लेक्चर में किया था याद है, वही कर रहे, ठीक है। तो ये बाहर निकल गया तो क्या आ गया, यहाँ यहाँ थ्री कॉन्स्टेंट आने के बाद यहाँ टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस फोर बाय थ्री टी, क्योंकि जिसके पास थ्री नहीं उसे थ्री दे दो, ठीक है, और साथ में आ जाएगा यहाँ, यहाँ साथ में आ जाएगा आपके पास थ्री थ्री है ना, देखो फोर बाय थ्री टी और ये थ्री का हो जाएगा वन, ठीक है, समझ रहे हो। देखो इसे थ्री से डिवाइड किया थ्री कैंसिल, इसे थ्री से किया डिवाइड, इसे थ्री से किया तो वन, ठीक है, यहाँ थ्री कैंसिल, यहाँ फोर बाय थ्री, यहाँ वन, ठीक है, क्योंकि थ्री कॉमन निकाला, जब कॉमन निकलता है तो उस नंबर से डिवाइड होता है, ये तो आपको पता होगा, बेसिक बात है बेटा, पता होनी चाहिए, ठीक है। आई इज इक्वल टू टू बाय थ्री, ध्यान देना क्वेश्चन लंबा है, पहले पहला जाएगा फिर आसान से। अब देखो यहाँ अगर आप कुछ बनाओ, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो टी स्क्वायर ये फोर बाय थ्री टी जो है ना, यही तो टू ए बी है, ये तो एक्चुअली टू ए बी है, ठीक है। तो ए क्या है आपका, टी है, यहाँ टी है, एक्स था या टी है, तो ये टी ए खत्म, ये भी टी खत्म, तो फोर बाय थ्री इज इक्वल टू टू भी, तो यहाँ टू नीचे मल्टीप्लाई, तो एक काम करते मल्टीप्लाई करने से अच्छा टू टू जा फोर, तो आपका बी आ गया टू बाय थ्री, बी इज इक्वल टू टू बाय थ्री, चलो वन। अब बी के वैल्यू क्या हो जाएगी, टू बाय थ्री, तो अब ध्यान से देखना, फोर बाय थ्री टी, ठीक है, फोर बाय थ्री टी, ठीक है, प्लस टू बाय थ्री और माइनस टू बाय थ्री प्लस वन डी टी। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ आगे क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, यहाँ आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ सबसे पहले तो आप उस तरीके से बनाओगे जिस तरीके से हम बनाते थे, ये हो गया ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, तो वन अपॉन टी प्लस टू बाय थ्री का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहाँ देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इनको जब सॉल्व करोगे तो ये फोर बाय नाइन है एक्चुअली, स्क्वायर है ना, टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर माइनस फोर बाय नाइन प्लस वन, इसका आंसर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नाइन, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो नाइन हो जाएगा, अपॉन में पूरा नाइन, तो नाइन माइनस फोर फाइव, फाइव बाय नाइन, ठीक है। तो यहाँ हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस रूट फाइव नाइन का थ्री और उसका होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है बेटा, उसका होल ब्रैकेट का क्या लिख देंगे, स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ तो ये तो आपको समझ रहा होगा क्योंकि ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला लग रहा है टैन वाला, मतलब सिंस फॉर्मूला लिखते एक बार, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कुछ भी आता है, हम लिखते हैं टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए और हम आगे लिखते हैं वन बाय ए, एक मिनट, वन बाय ए, ठीक है, वन बाय ए, वन बाय ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं छोटा कर रहा हूँ, यहाँ मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, ये थोड़ा छोटा हो गया, ज्यादा ही थोड़ा बड़ा हो गया,
अब आपको शायद पूरा दिख रहा हो, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ मैं लिख देता हूँ आंसर, यहाँ नीचे देखो एक बार मैं टी के फॉर्म में लिखूंगा, फिर टी रिटर्न कर दूंगा डायरेक्टली, तो 2/3 इक्वल टू 2/3, ठीक है। यहाँ हो गया इंटीग्रेशन 1/a, यानी a क्या है आपका, a है आपका √5/3, तो 3/3 कैंसिल, ठीक है। पहले तो यही हो गया, tan इनवर्स ऑफ x बाय a, तो x क्या है आपका, x देखिए x आपका हो गया यहाँ t plus 2/3 अपॉन ये हो गया a √5/3। अब ध्यान दो, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो i is equal to यहाँ हो गया 2/√5 tan inverse of यहाँ अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3t plus 2, ठीक है, 3 ऊपर नीचे कैंसिल क्रॉस करोगे तो कॉमन आ जाएगा, मतलब ये 3t plus 2/3 हो जाएगा अपॉन √5/3, ये 5 है, 3 कैंसिल, तो नीचे से √5 बचा, तो अपॉन एक मिनट अपॉन √5, तो यहाँ देखिए टी के जगह हम लिख देंगे tan x by 2, तो i इक्वल टू 2/√5 tan इनवर्स ऑफ, ध्यान देना पूरा, यहाँ tan x by 2 3 tan x by 2, थोड़ा सा देख लो, अभी मैं अगर वो आपको दिख भी नहीं रहा है तो मैं उसे फ्रेम में लाऊंगा, 2 मिनट हो जाए, अपॉन 5, ठीक है, ये एंगल वाला 2 है, ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब देखो एक मिनट है, इन्हें मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ नीचे लेके, क्योंकि ये थोड़ा छोटा हो गया मेरे हिसाब से आंसर, शायद आपको ये दिखेगा नहीं, यहाँ ले लूँगा मैं इसे, देखो आंसर को यहाँ ले रहा हूँ, मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ अलग रंग से, एक मिनट हुआ नहीं हुआ ना, हाँ चलो अब कर देता हूँ, डिग्री, ठीक है, वहाँ मजबूरी थी वहाँ बैठा नहीं, प्लस सी भी लिख देना, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है, कुछ थोड़ा आंसर अलग आया है इस बार, इस पर ध्यान देना, ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या था, मिक्स था पूरा क्वेश्चन, पहले लग गया ट्रिग्नोमेट्री, फिर लग गया हमारा 1/4, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या किया, √5 शायद मैंने यहाँ का यहाँ नहीं दिया, ठीक है, रूट यहाँ दे दिया, ठीक है, यहाँ रूट में ले लेना, चलो चलते अगले क्वेश्चन की ओर, 1, 2, 3 हो गया, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो 1/4 − 5 cos θ, जब भी ऐसा दिखे तो वही लगेगा, यहाँ भी cos से डिवाइड करोगे तो नीचे cos बच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका sec, यहाँ sec²x, तो क्या होगा ऊपर आ जाएगा sec²x, क्या sec सारे sec, एक भी टाइम नहीं, कैसे सॉल्व करोगे, है ना, तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर, i = ∫1/4 − cos x, ठीक है, और यहाँ dx, अब ध्यान देना यहाँ वापस से वही फॉर्मूला, इसका आधा करना है, cos आए या sin आए इस एंगल को आधा कर दो, मतलब आप पुट करोगे, पुट भी मत लिखो, डायरेक्टली कर सकते, tan x by 2 is equal to t, therefore x by 2 is equal to tan inverse of t, ठीक है, यहाँ तक हो गया tan inverse of t, therefore अब ये 2 उधर चले जाएगा, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसे हाईलाइट भी मत करो, अब आपको पता है ना पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो x is equal to 2 tan inverse of t, ठीक है, तो यहाँ जब डिफरेंशिएट करोगे तो dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square, ये आना चाहिए आपको, ये डिफरेंशिएशन है, tan inverse of t का 1 upon 1 plus t square, और t को डबल से dt/dx लिखा, तो dx उधर चले गया, ये x का तो वैसे भी बना आ गया होगा, ठीक है, ये मैंने पिछले इसमें पूरा डिटेल में करके बताया, ठीक है, एक बार करके बता दूं, क्या देखो x का डिफरेंशिएशन 1 is equal to 2, इसका आ गया 1 upon 1 plus t square, ठीक है, और ये t का वापस से dt/dx, तो ये dx यहाँ से यहाँ कूद गया, ठीक है, तो dx की वैल्यू हमें मिल गई, बाकी तो मैंने बता दिया, ठीक है, चलो थोड़ा स्पीड से बताया, स्लो में देखो आपके हाथ में है पूरा पावर, ठीक है, अब आगे चलो, ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या कर सकते, ये dx की वैल्यू बन गई, अभी हमें cos x की वैल्यू नहीं पता, therefore cos x equal to, बेटा यहाँ लिखेंगे cos x equal to cos x की जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है cos x का फॉर्मूला, 1 − tan²x/2 upon 1 plus tan²x/2, क्लियर, तो यहाँ हमें किसका यूज है, हमें यहाँ tan²x/2 की जगह डालना है बेटा t, क्योंकि tan x/2 की वैल्यू t है, तो यहाँ लिखेंगे 1 − t²/1 + t², चाहो तो आप ये रट्टा मार सकते, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला याद रहे तो हमें तो पता है tan x by 2 t है,
तो क्या है मुश्किल है, टी सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दो मिनट में हो गया। देखो यहाँ हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू, यहाँ ये सारी वैल्यूज डी एक्स की और कॉस एक्स की यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई इज इक्वल टू वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ फोर माइनस फाइव कॉस एक्स, क्या देखो कॉस एक्स ये, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक मिनट, फाइव इन ब्रैकेट वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ इसे क्रॉस करेंगे तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन फोर पंद्रह फोर प्लस फोर टी स्क्वायर माइनस ये फाइव अंदर तो फाइव माइनस माइनस प्लस फाइव टी स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई तो समझ गया ना, क्रॉस किया और फिर माइनस फाइव से अंदर किया बस, ठीक है। यहाँ टू इधर लेके आते हैं, टू यहाँ लिख लेते, ठीक है, और डी टी बाहर, और ये वन प्लस टी स्क्वायर भी लिखते जो कि ब्रैकेट में लिखना है, अपॉन इसके पूरे पूरे के अपॉन ये वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये अभी गया नहीं तो ये और ये कैंसिल, ठीक है, कैंसिल कर दो। तो यहाँ बच्चा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, ठीक है। यहाँ आया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन वन अपॉन, देखो इनका आ जाएगा नाइन टी स्क्वायर, ठीक है, और ये फोर माइनस फाइव हो गया माइनस वन, फोर माइनस फाइव पे हो गया माइनस वन क्योंकि माइनस फाइव बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए देयरफॉर आई इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ हमें फॉर्मूले में पता है कि जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, वी नो दैट फॉर्मूला क्या कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि उसमें आता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब आता है, ठीक है, और नहीं एक्स स्क्वायर पहले, सॉरी 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 एक मिनट, एक्स स्क्वायर पहले, ठीक है, मैं नाइन के कारण एंट्री हो गया। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ हो जाता है वन बाय टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, बिल्कुल ये होता है, पता होगा आपको, यहाँ प्लस सी भी आता है आगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, नाइन बाहर निकाल सकते, तो टू बाय नाइन हमें ये चाहिए नहीं होता है अंदर कुछ, ये अकेला चाहिए, तो वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन बाय नाइन, और इस वन बाय नाइन को लिख सकते हैं हम अब वन बाय थ्री का होल ब्रैकेट स्क्वायर, वन का टेंशन नहीं है, वन तो खुद का स्क्वायर है, खुद का ही क्यूब है, उसका ही रूट है, ठीक है, तो टू बाय नाइन, ठीक है। तो यहाँ ये फॉर्मूला सीधे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, ठीक है, टू बाय नाइन लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है, इन टू, मैं थोड़ा सा इसे उधर सरका देता हूँ, ठीक है, टू बाय नाइन, ध्यान से देखते हो, टू बाय नाइन, ठीक है, इन टू वन बाय टू यानी वन बाय थ्री, वन बाय टू ए, टू यानी टू इंटू ए यानी यहाँ ए की वैल्यू वन बाय थ्री, ये थ्री से यहाँ कट गया तीन बार, ठीक है, और ये टू से टू कट गया तो वन बाय थ्री आपका बाहर बचने वाला है, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स माइनस है तो एक्स क्या है टी, टी माइनस वन बाय थ्री, तो टी माइनस वन बाय थ्री अपॉन टी प्लस वन बाय थ्री, ठीक है, प्लस थ्री, ये थ्री है याद रखना, ये थ्री है, एक मिनट, ये थ्री है, अब ध्यान देना यहाँ भी प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, एक्स क्लियर। चलिए अब चलो आगे, तो आई इज इक्वल टू, यहाँ देखो आई इज इक्वल टू वन बाय थ्री, यहाँ आ गया लॉग ऑफ टी क्या है बेटा, टी के वैल्यू डन करो टैन एक्स बाय टू, आ गया हाँ टैन एक्स बाय टू, तो यहाँ थ्री टैन एक्स बाय टू लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, क्या ये थ्री है क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो टैन एक्स बाय टू, ठीक है, माइनस वन बाय थ्री, वन बाय थ्री अब सिर्फ वन आएगा सर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि थ्री तो ये थ्री और नीचे भी थ्री आएगा ना, तो डिनोमीटर वाला थ्री कैंसिल, तो यहाँ भी टैन एक्स बाय टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो इसे हाईलाइट कर देते थोड़ा, एक मिनट रुको मैं इसे थोड़ा साइड में ले लूँ, ठीक है, इस आंसर को थोड़ा सा यहाँ आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं, दिख रहा है, चलिए ग्रीन में वो आपका आंसर है, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वन टू थ्री, चलिए हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर वन जैसे, मेरे हिसाब से है ना, क्वेश्चन नंबर वन में कुछ ऐसे किया था हमने, नहीं सॉरी अलग है थोड़ा, चलो कॉस और साइन दोनों आ रहे हैं, तो इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना आपको टैन की वैल्यू पता है कॉस की वैल्यू पता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो एक बार क्या है, कॉस और साइन दोनों है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ आपका हो जाएगा सबसे पहले आई इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये आगे कर सकते हैं, देखो यहाँ हम सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं टैन एक्स बाय टू, ऐसा क्वेश्चन लिखे था टैन एक्स बाय टू इक्वल टू टी, तो अब यहाँ हो जाएगा एक्स बाय टू इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टी, ठीक है, और जब इसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है डी एक्स इज इक्वल टू क्या आता है टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन वन
वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, और ये टू इधर आता है, एक्स का वन हो जाता है, और इस टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स उसका डी एक्स इधर, ठीक है। तो ये तो आपको दो क्वेश्चन में याद हो गया होगा, ये समझ गया होगा आपको। अब देखिए कॉस एक्स का क्या आता है, कॉस एक्स का आता है बेटा वन प्लस, सॉरी ऊपर माइनस आता है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। तो यहाँ टेन की वैल्यू तो आपको पता है क्या है, टी। तो यहाँ हम ये ना लिखते हुए यहाँ लिखेंगे टी, क्या लिखेंगे बच्चों, टी। तो माइनस टी स्क्वायर और नीचे प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। कॉस की वैल्यू हो गई, और साइन एक्स देख लो, साइन एक्स हो जाएगा टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ यूज करने हैं, ये यहाँ डायरेक्टली पुट करो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ये थोड़ा मैं फिर से करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू, साइन की वैल्यू क्या है, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो लिखो पहले कॉस की लिख लो, क्योंकि कॉस पहले वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपका माइनस वन, सॉरी टू टी है, टू टी साइन में टू टी है, देखो टूटा हुआ है साइन, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू है डी एक्स की टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज वन प्लस टी स्क्वायर का बहुत फायदा है, क्योंकि इसके साथ कट जाएगा डायरेक्टली। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखना वन अपॉन, ये एक साथ आ जाएंगे कॉमन होने के कारण डिनोमिनेटर, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई करेगा, या एलसीएम लेने का सोचो तो वन प्लस टी स्क्वायर अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनके अपॉन में ऑलरेडी है, ये वन प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो टू वन जा टू, ये टू इंटू टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू टी, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया यार, अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम समझता है ना, तो वन प्लस टी स्क्वायर को एलसीएम ले लिया ऐसा समझो, ठीक है, या ऐसा समझो इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, तो एक बार लिख लिया, इसे क्रॉस कर दिया, टू वन जा टू, टू इंटू टी टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो टू डी टी, तो एक काम करते टू यहाँ लिख लेते हैं ना, टू यहाँ लिख लेते, ठीक है, तो टू यहाँ लिख लो टू, और यहाँ देखो ये डी टी कुछ ऐसे आ गया, ठीक है, और यहाँ इसके नीचे से बचा वन प्लस टी स्क्वायर, जो कि अब जल्दी शहीद होने वाला है, इसके साथ खत्म, ठीक है, याद रखना ये खत्म हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ आई इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है, टू को बाहर भेजो, यहाँ क्या बच गया, यहाँ तो क्वाड्रेटिक आ गया यार, लंबा प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका टू टी स्क्वायर बच गया, क्लियर, इसका क्या बचा, सॉरी टू टी स्क्वायर नहीं, टू टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर, एक ही टी स्क्वायर बचा, दो नहीं बचे, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ टू टी स्क्वायर माइनस वन टी स्क्वायर, एक ही टी स्क्वायर बचा, ठीक है, ये माइनस टू टी है वैसे का वैसे लिखो, ठीक है, ये प्लस वन और टू इतना हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री, तो प्लस थ्री, और यहाँ डी टी। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ आपको यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, ये तो आप समझ गए। तो ये टू मैंने लिख लिया ना ऑलरेडी, क्यों लिख रहा हूँ वापस प्लस टू यार, समझ नहीं रहा मुझे, एक बार मैंने टू लिख लिया फिर भी यहाँ लिखा है ना, टू कॉन्स्टेंट बाहर निकल दिया ना, तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, यहाँ सिर्फ वन आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आप टू टी तो लिखोगे टू ए बी, ठीक है, तो यहाँ ए तो टी है, ये देखो, तो ये टी, तो ये ए और ये खत्म, तो टू टू खत्म, तो बी की वैल्यू वन, ठीक है, बी की वैल्यू वन, तो यहाँ प्लस वन माइनस वन करेंगे, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस टू टी, टी स्क्वायर माइनस टू टी, प्लस वन माइनस वन प्लस थ्री, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन प्लस फोर, तो भी हो जाता है, क्योंकि ये फोर ही है, ठीक है, तो यहाँ देखिए या वन प्लस टू लिख देते तो भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है, ये प्लस है, समझ गए। चलो आगे चलो, मैं यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक बहुत आसान था क्वेश्चन, अब आगे देखो मैं छोटा करने जा रहा हूँ, ठीक है, अब हो गया यहाँ तक। अब देखो अब आगे की स्टेप इसके नीचे लिख देता हूँ, जगह है तो आई इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इसका हो गया ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी टी माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ बीच में आएगा पॉजिटिव का टू, क्योंकि देखो इसका तो हो गया ये पूरा, ठीक है, ये टर्म, अब इनका हो गया माइनस वन प्लस थ्री हो गया प्लस टू, तो प्लस टू को ऐसे नहीं लिखेंगे, रूट और उसका स्क्वायर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी टैन आ गया, एक बार जरूर चेक कीजिए टैन आ रहा है या नहीं बेटा, आप फॉर्मूला जरूर एक बार देखिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है। देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स आ गया, दोनों करोगे तो सेम ही है, दोनों पॉजिटिव, स्क्वायर प्लस स्क्वायर में भी और एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर में भी, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, और आगे मल्टीप्लाई होता है वन बाय ए से, ठीक है, इतना याद रखना इसे, ठीक है, मैं बाद में लिखता हूँ, हमेशा मैंने उल्टा पैटर्न याद किया है, तो हो गया वो वैसे याद, ठीक है, तो वन बाय ए, ठीक है। आप लिखोगे, फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, तो आई इक्वल टू टू, यहाँ देखो
वन बाय ए क्या है बेटा, ए आपका रूट टू है तो यहाँ रूट टू लिखिए, ठीक है। टैन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है बेटा, टी माइनस वन, और यहाँ हो रहा है आपका, एक मिनट है, माइनस वन से टी माइनस वन, ए की वैल्यू क्या है रूट टू, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप टी को यहाँ देखना, आप टी की वैल्यू टैन एक्स बाय टू पुट करोगे तो यहाँ देखो आई इज इक्वल टू, यहाँ और एक सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, टू को लिख सकते हो रूट टू इंटू रूट टू, ये वाले टू को, ठीक है। तो एक टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि अपॉन में दोनों, ठीक है, ध्यान देना। तो ये इसको रूट टू इंटू रूट टू लिख के एक रूट टू खत्म कर दो, रूट टू बच गया। तो टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स बाय टू माइनस वन अपॉन रूट टू प्लस सी, तो ये हो गया आपका आंसर है, ठीक है। चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, वन टू थ्री। क्वेश्चन आसान है, सिर्फ ये तीन चीजें याद कर लो, ठीक है, जिसमें कॉस है सिर्फ ये लगाओ, जिसमें साइन है सिर्फ ये लगाओ, और जिसमें दोनों है उसमें ये पूरा लगाओ, ये तो हर एक में आएगा, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, वन टू एंड थ्री। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। अब क्वेश्चन नंबर फोर पूरा बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री जैसा है, तो ये मैं चाहूंगा कि आप खुद से एक बार ट्राई करो, ये तीन चीजें लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है। सेम टू सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला कुछ अलग आएगा यहाँ का, ठीक है, लास्ट में। तो ये आप होमवर्क है मेरे तरफ से, ठीक है। आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू डालनी है आपको, मैं एक बार वैल्यू लिख दूँ, साइन एक्स की वैल्यू डालनी है टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, कॉस एक्स की वैल्यू आपको डालनी है वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और इस डी एक्स की वैल्यू आपकी बनेगी, ये भी फिक्स होता है, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि आप डालने वाले हो सबसे पहले टैन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी, और इसका हो जाएगा आपका एक्स बाय टू इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टी, फिर इसको करोगे डिफरेंशिएट, फिर आ जाएगा आंसर, क्लियर। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो इतने का, और क्वेश्चन नंबर फोर जैसा करना, क्वेश्चन एक मिनट, क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री जैसा करना, सेम टू सेम एज क्वेश्चन नंबर थ्री, सेम एज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, वन टू थ्री। तो ये वैसे ही कर लेना बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री के जैसा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, ये भी सेम टू सेम है पूरा क्वेश्चन नंबर आपके, कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कहा गया एक मिनट, क्वेश्चन नंबर टू था शायद ऐसे, कॉस वाला, हाँ क्वेश्चन नंबर टू जैसा, देखो इसके जैसा, यहाँ सिर्फ कॉस एक्स था, वहाँ कॉस टू एक्स है, ठीक है, और कुछ फर्क नहीं, ठीक है। फिर भी मैं इसे कर देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई इक्वल टू पूरा इंटीग्रेशन, फिर डालोगे टैन एक्स बाय टू इज इक्वल टू टी, फिर आप डालोगे एक्स बाय टू इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टी, याद करने जैसे ये पूरा कट्टा यही सी है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको लास्ट में मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू टू टी टू डी टी, सॉरी टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये पहला है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, जो कि डी एक्स की वैल्यू बन रही है, कॉस टू एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी, और यहाँ फॉर्मूला जब लगाओगे तो आधा होगा ना एंगल, तो टैन स्क्वायर एक्स, एक काम करने का, यह एक्स बाय टू नहीं आएगा, तो समझ गए ना बच्चों किस तरीके से सॉल्व करना है पूरा क्वेश्चन नंबर थ्री के जैसा, ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या हो रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉइंट थ्री माइनस टू कॉस टू एक्स, एक बार आप क्वेश्चन नंबर टू देखिए, सेम टू सेम उसके जैसा है, सिर्फ यहाँ कॉस एक्स था, यहाँ उसमें कॉस एक्स था, यहाँ कॉस टू एक्स है, ठीक है। चलिए चले फिर, अब देखो यहाँ कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वहां कॉस एक्स था तो हम लेते थे टैन स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है, और वहां जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते तो टैन एक्स बाय टू को टी ले देते, इस बार टैन एक्स को लेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ टू एक्स है तो यह हाफ एंगल एक्स हो जाएगा, ना कि एक्स बाय टू, ठीक है, बस इतना ही फर्क आएगा। तो देखिए सबसे पहले टैन एक्स लेंगे इस बार टी, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, टू नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ आएगा आपका एक्स, उधर चले जाएगा तो टैन इनवर्स ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ जब डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का तो वन आ गया, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा वन इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी बाय डी एक्स, तो ये डी एक्स इधर भाग गया, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, हो गया इतना। अब ध्यान देना यहाँ तो हो गया, अब यहाँ ये हो गया, ठीक है, अब यहाँ कॉस टू एक्स की वैल्यू, तो कॉस टू एक्स की वहां क्या बनाते थे, सेम टू सेम ऐसी, तो वन प्लस, सॉरी वन माइनस
टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि टैन है ना ये टी की वैल्यू टैन एक्स, तो टी यहाँ टैन एक्स है, वहाँ एक्स बाय टू था, ठीक है, तो वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये भी थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ठीक है, एक मिनट ये थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, चलो हो गया, ये ग्रीन बॉक्स में आइए, ठीक है, अब देखो अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करो, आंसर आ गया, देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में, इसलिए स्पीड से करो क्योंकि अब हमें बहुत सारी चीजें पता है, माइनस टू यहाँ देखिए वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और डीएक्स का क्या हो गया डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो डी टी अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर, अब देखो यहाँ जब हम क्रॉस करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ये थ्री बन जा थ्री, ये थ्री इंटू टी थ्री टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस टू माइनस इंटू माइनस प्लस टू टी का स्क्वायर, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर और कुछ नहीं ना, ठीक है, समझ गए, अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, अब ध्यान देना क्या भूल गया यहाँ, यहाँ ये लिखना रह गया, ये मैं हमेशा लास्ट में लिखता हूँ, ठीक है, वन प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है ये और ये कैंसिल ही होने वाला है, ठीक है, तो आप भी कैंसिल कर लो इसे इस तरीके से, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ देखिए इन दोनों का फाइव और इसका आ गया वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ये पॉजिटिव फाइव फाइव टी स्क्वायर आगे लिखो, ठीक है, और ये आ गया आपका माइनस, ये प्लस ये माइनस तो प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ आप आगे क्या लिख सकते हैं, देखो आगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ आप लिखोगे इस तरीके से कुछ, देखो ध्यान देना आई इज इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ फाइव कॉमन निकाल दो, ठीक है, तो वन बाय फाइव बाहर आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि x मुझे अकेला चाहिए, तो यहाँ t x का काम कर रहा है, ठीक है, फॉर्मूला लगाने के लिए अकेला चाहिए, ठीक है, तो यहाँ देखिए हो गया वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन बाय फाइव लिखेंगे क्या, नहीं वन बाय रूट फाइव और उसका स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो ए स्क्वायर, तो इसे फाइव जब आएगा नीचे फाइव यानी हम कॉमन निकालना है यानी क्या करते हैं डिवाइड, तो इसे फाइव से डिवाइड किया तब ये फाइव फाइव कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ जब फाइव से हमने डिवाइड किया तो यहाँ वन बाय फाइव आ गया, ठीक है, तो उसका रूट फाइव लिखना होगा, ठीक है, चलो ऊपर से फाइव से मल्टीप्लाई किया ना, कॉमन निकालना आता होगा आपको, ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ फॉर्मूला को क्या लग गया, पहले तो वो लिख लेते, देखो क्या हो गया, सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज वॉट डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय ए टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय एक्स बाय यानी क्या एक्स ए टी अपॉन वन सॉरी यहाँ तो एक्स बाई लिखना था ना फॉर्मूला लिख रहे हैं मैं डायरेक्ट वो लिख रहा हूँ ठीक है क्या खतरनाक आई इज इक्वल टू वन बाय फाइव बार ठीक है वन बाय ए क्या है वन बाय रूट फाइव तो वन बाय रूट फाइव देखो वन बाय रूट फाइव क्योंकि वन बाय रूट फाइव पूरा ए है ठीक है इन टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स बाय एक्स क्या है बेटा एक्स है आपका टी अपॉन वन बाय रूट फाइव ठीक है और यहाँ प्लस सी ठीक है अब इसे जब सॉल्व करोगे तो आई इज इक्वल टू वन बाय फाइव ये रूट फाइव ऊपर चले जाएगा ठीक है रेसिप्रोकेट हो गया तो रूट फाइव अपॉन फाइव तो इसे दो बार रूट फाइव लिख सकते तो एक बार कैंसिल तो एक रूट फाइव बचा तो यहाँ बचा ध्यान देना वन बाय रूट फाइव टैन इनवर्स ऑफ यहाँ हो गया रूट फाइव टी तो यहाँ वन की जरूरत ही नहीं है रूट फाइव टी डायरेक्ट लिख सकते ठीक है और यहाँ हो गया प्लस टी तो ये हो गया आपका आंसर तो टी की वैल्यू भी पुट करो टी की वैल्यू क्या है बेटा टेन एक्स तो यहाँ हो गया आई इज इक्वल टू वन बाय रूट फाइव टैन इनवर्स ऑफ रूट फाइव टैन एक्स प्लस सी तो ये हो गया आपका आंसर जरूर एक बार इसे चेक कीजिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लेकिन इसे ध्यान से देखना एक बार ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन था वन टू थ्री तो आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर वन जैसा देखो यहाँ क्या हो रहा है देखो क्वेश्चन नंबर वन में क्या था साइन एक्स आया था तो सेम टू सेम ऐसी है पैटर्न पूरा सेम टू सेम है ठीक है सिर्फ एक बार मैं आपको थोड़ा बहुत करके देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट चीज है ठीक है तो यहाँ साइन टू एक्स है तो पहली बार तो टैन एक्स आएगा इसके हाफ एंगल बोला था मैंने तो यहाँ टू एक्स एंगल है तो टैन एक्स का हाफ तो ये आपको पता है एक बार क्या होता है डी टी सॉरी डी एक्स अभी क्या था पिछले इसमें डी एक्स देखो यहाँ किया था ना ये देखो डी एक्स कहा गया डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय वन अपॉन टी स्क्वायर यहाँ टू का भी टेंशन नहीं डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही आने वाला है क्योंकि यहाँ क्या बन जाता है टी इज इक्वल टू सॉरी एक मिनट एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टी ये बन जाता है और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ ये मिलेगा ठीक है वापस से साइन टू एक्स ये थोड़ा साइड में सर्कल लुक मुझे लग रहा है हाँ चलो हो गया
अब देखो साइन टू एक्स का क्या हो गया, साइन टू एक्स को आप लिख सकते हो वन, सॉरी वन क्या है यहाँ, कॉस वाला नहीं है, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका ये, इसके बाद आप इसमें पुट करोगे तो इंटीग्रेशन, देखो मैं थोड़ा रफ में कर रहा हूँ, ठीक है, वन अपॉन टू, तो टू तो पहले बाहर चले जाएगा क्योंकि हमें अकेला चाहिए होता है, ये जो आता है तो वन बाय टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, ठीक है। यह इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये टू मैंने बाहर क्यों निकाला पता है ना, क्योंकि हमें यहाँ जो टर्म होती है टी स्क्वायर या जो भी आती है वो अकेली चाहिए होती है, ठीक है। चाहो तो आप टू वहाँ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, टू टू जो फोर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू टू टी थी और ये टू टी और ये टू मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस, यहाँ से कॉमन निकाला मैंने टू, तो इसका मतलब ये भी थ्री बाय टू बनेगा, ठीक है, टू कॉमन निकाल लिया पहले तो, तो ये थ्री बाय टू, ठीक है, थ्री बाय टू और ये डी टी, और ये डी टी आएगा डी टी बाय डी एक्स आएगा डी टी बाय डी टी बाय वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ कॉमन नहीं निकालते, छोड़ो इसको, कॉमन निकालने से शायद लंबा हो रहा है, छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ ले लो टू से मल्टीप्लाई कर देना इसे, ठीक है, डॉट दे दो इसमें, आई इज इक्वल टू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो वन अपॉन ये हो गया फोर टी, यह आ गया माइनस थ्री, माइनस थ्री टी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और ये आ गया डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये वन प्लस टी स्क्वायर, ये वन प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया, आई इज इक्वल टू यहाँ से सीधा सीधा एक क्वाड्रेटिक बन गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, देखो यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेना, माइनस वन ऊपर चले जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस आने वाला है, इसका मतलब है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक में हो जाएगा थ्री टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी माइनस फोर टी, ये दूसरी टर्म बाद में होती है, और ये प्लस थ्री और ये डी टी, ठीक है। अब यहाँ से ना बेटा आप कर लेना, ठीक है, यहाँ से आपको होमवर्क है, क्वाड्रेटिक जैसा करना, फिर फॉर्मूला लगाना, फिर आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ टू ए बी कैसे निकालते हैं, फोर टी इक्वल टू टू ए बी, वो मैं निकाल के देता हूँ, टू ए बी, तो ये ए और टी कैंसिल, क्योंकि टी तो ए है, ठीक है। यहाँ से थ्री भी कॉमन निकालो, पहले तो मैं बोलता हूँ थ्री कॉमन निकालो, तो जब थ्री कॉमन निकालोगे तो आई हो जाएगा, देखो यहाँ मैं करके दे रहा हूँ वन बाय थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ये माइनस वन निकालो, ठीक है, यहाँ बचा टी स्क्वायर माइनस फोर बाय थ्री टी और ये प्लस वन है, क्योंकि थ्री से डिवाइड हो जाएगा, तो ये डी के भी से करना है, इसे फोर बाय थ्री टी इज इक्वल टू टू ए, ठीक है। तो यहाँ ए और टी कैंसिल, तो ये बी आ गया आपका टू टू जा, तो ये टू बाय थ्री बी के वाले टू बाय थ्री, अब इसको टू बाय थ्री का स्क्वायर डालना क्योंकि बी का भी स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन को, इसको आगे कर लेना, ठीक है, होमवर्क है आपको ये, वन टू थ्री हो गया इतना नोट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेवन। अब क्वेश्चन नंबर सेवन पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर फाइव की जैसा है, हाँ क्वेश्चन नंबर फाइव, भैया फाइव ना, एक मिनट देखते शायद क्वेश्चन नंबर थ्री के, एक मिनट देख लेते थोड़ा रुको, हाँ ये क्वेश्चन नंबर फोर के जैसा, देखो यहाँ भी था और ये क्वेश्चन नंबर थ्री के जैसा था, तो क्वेश्चन नंबर थ्री वहाँ भी रिपीट हो रहा है, सेम टू सेम है क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं है, क्वेश्चन नंबर थ्री के जैसा है, ठीक है, थ्री एंड फोर वो अगर कर लिया आपने तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न तो सेम है, साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, डी एक्स की पता है, सिर्फ टू एक्स है तो डी एक्स की वैल्यू क्या बनती है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ये बनता है हमेशा, और टैन की वैल्यू क्या डालनी होती है, हाफ एंगल टू एक्स के हाफ एक्स और यहाँ टी, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करोगे, इसे बनोगे आप एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टी, से क्या बनाओगे, एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ टी, टैन उधर बन जाएगा, ठीक है, ये टैन इधर चले जाएगा, क्लियर। अब आगे देखो, साइन टू एक्स की वैल्यू, साइन टू एक्स की वैल्यू वन टू टी सॉरी टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और कॉस टू एक्स की वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये डाल के आप आंसर निकाल देना, ठीक है। चलिए होमवर्क है ये भी आपको, मेरी तरफ से आधा मैंने कर दिया, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी, अब आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकाल, ठीक है। चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि इंटीग्रेशन भी बहुत बड़ा चैप्टर है और अभी हमें सॉल्व करने बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ आप वो मत करना, टी वगैरह डालना मत, उससे भी हो जाएगा सब, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको कुछ अलग ट्रिक बता दूं मैं, देखो यहाँ थोड़ा सा जुगाड़ कर लेना, यहाँ उससे भी आसान तरीका है। देखो यहाँ क्या बोल सकते हो आप, ये कॉस एक्स है, ठीक है, माइनस साइन एक्स है और ये डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हो, देखो मैं अच्छे से देखना, यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरफ देखना, ठीक है, पेन की तरफ देखते रहो कंटिन्यूस, ठीक है। देखो यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाय फोर, ठीक है,
आप cos pi by 4 बोल सकते हो या हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, और यहाँ माइनस साइन एक्स और यहाँ लिखोगे साइन पाई बाय 4, क्योंकि ऊपर नीचे अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो यही आ रहा है ना कि 1 अपॉन रूट 2 भी आ रहा है cos pi by 4 और साइन पाई बाय 4 भी रूट 2, रूट 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ये ट्रिक है ठीक है, आप उससे भी कर सकते हो टी वाले से सॉल्व, लेकिन मैं इससे बता रहा हूँ ज्यादा आसान है ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो आई इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट 2, तो कॉन्स्टेंट इसे बाहर फेंक दो भेज दो, मतलब 1 बाय रूट 2, यहाँ हो जाएगा माइनस है ना, तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 ठीक है, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स, उस मेथड से भी होता है लेकिन ये ज्यादा आसान है, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस का क्या आता है 1 अपॉन कॉस का हो जाएगा आपका सेक, तो आई इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 बाय रूट 2 कॉस का क्या होता है सेक, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स प्लस पाई बाय 4 डी एक्स ठीक है, तो sec x plus pi by 4 dx का क्या हो जाएगा 1 upon cos sec ही होता है ना इसलिए लिखा ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 by root 2 sec का क्या हो जाएगा log of, पता है ना sec का, याद करो ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाओ क्या आया था, हाँ बराबर sec x plus tan x, बिल्कुल चल गया बेटा दिमाग, sec x plus tan x ठीक है, ये हो गया आपका आंसर यहाँ ठीक है। चलिए तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लस सी, तो यहाँ आपको इसे थोड़ा परखना है ठीक है, इसे थोड़ा देखना, यह आपका आंसर शॉर्टकट में आ गया ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 1, 2 और 3, तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ गया होगा, फिर भी कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं कुछ कि सर रूट टू से हमें कैसे पता मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेटा मैं अच्छे से जानता हूँ कि रूट टू पे जो वैल्यू है 1 बाय रूट 2 जो वैल्यू है वो दोनों में कॉमन आती है बिल्कुल पाई बाय 4 पे ही, पाई बाय 4 पे ये वैल्यू रिपीट होती है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि अगर मैं पाई बाय 4 रूट टू से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे डिवाइड करूँ ठीक है, तो 1 बाय रूट 2 यहाँ भी आएगा 1 बाय रूट 2 यहाँ भी आएगा, क्योंकि रूट 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो इसे भी सेपरेट रूट 2 इसे भी सेपरेट रूट 2 रूट 2 रूट 2 दे दूंगा, तो यहाँ बनेगा 1 बाय रूट 2 यहाँ भी बनेगा 1 बाय रूट 2, उसकी वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूँ फिर आसानी से, ये कॉस कॉस का सेक और सेक का मैं जानता हूँ ठीक है, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया, आप टी डालने में कोई दिक्कत नहीं है तो भी हो जाएगा ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9 वो भी कुछ ऐसी ही है, टिकड़मबाजी करनी पड़ेगी इसमें भी तो आसान हो जाएगा, देखो क्या है 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस रूट 3 sin x, तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस रूट 3 sin x dx ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा मेरी तरफ, यहाँ हम क्या कर सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ भी आप इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 2 से, तो यहाँ ऊपर बन जाएगा 1 बाय 2, यहाँ बनेगा cos x 1 बाय 2 ठीक है, और यहाँ बनेगा माइनस रूट 3 बाय 2 और यहाँ sin x ठीक है। कैसे किया मैंने ये, अब आपको मन में सवाल आ रहा है, तो मुझे पता है कि जो cos है ठीक है उसकी वैल्यू 1 बाय 2 कब आती है, जब cos होता है आपका 60 ठीक है, मतलब पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 यानी 60 ऑन द अदर एंड आता है रूट 3 बाय 2, तो बिल्कुल यहाँ मैं साइन लिखूंगा यहाँ कॉस। आप बोलोगे सर अब साइन का फॉर्मूला यहाँ क्यों नहीं बना रहे, बेटा यहाँ माइनस है बीच में, साइन के फॉर्मूले में साइन आगे चाहिए ना, तो यहाँ साइन मतलब वो जो भी आएगा, यहाँ सपोज साइन लेता है मैं तो साइन 30 पे आता है तो साइन 30 आगे आ जाएगा ठीक है, तो वो नहीं चाहिए मुझे, जनरली कॉस है तो कॉस ही बनाना है, कॉस की प्रैक्टिस ज्यादा होती है इसमें ठीक है। जब भी आप देखोगे कोई भी अच्छे बुक से पढ़ोगे तो ज्यादातर कॉस में इसे बनाया गया है ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी वैसे एग्जांपल है कि कॉस के हिसाब से किया गया है ठीक है, तो इसीलिए कॉस को हमें यहाँ प्रिफरेंस देना है याद रखना ठीक है, साइन से करना कोई गलत नहीं, आप एक बार करके देखो, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाता है क्योंकि प्लस माइनस का मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए ठीक है, तो कॉस से ही करना है, तो आई इज इक्वल टू यहाँ देखो 1 बाय 2 तो कॉन्स्टेंट है तो 1 बाय 2 को बाहर भेजो ठीक है, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आ गया कॉस एक्स, यहाँ आ गया आपका कॉस, तो ये कॉस 60 तो पाई बाय 3, यहाँ आ गया माइनस रूट 3 बाय 2 तो माइनस रूट 3 बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 बाय 2 को लिख सकते साइन पाई बाय 3 और यहाँ लिख देंगे साइन एक्स और यहाँ लिख देंगे डी एक्स। अब तो पूरे दुनिया को पता है इसका इंटीग्रेशन क्या है ठीक है, जो दुनिया को यानी हमें एटलीस्ट ठीक है हम जानते हैं ना, तो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस का फॉर्मूला बन रहा है तो ये प्लस हो जाएगा है ना, मैंने पिछले दिन प्लस लिखा ना, हाँ प्लस लिखा चलो क्योंकि कॉस के फॉर्मूले में माइनस में प्लस लिया था, प्लस में माइनस, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, तो हो गया एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस सॉरी डी एक्स, तो यहाँ देखो इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे प्लस हो गया ना माइनस का प्लस ठीक है, तो टिकड़मबाजी करनी होती है जहाँ हो जाती है वहाँ, तो
दिमाग लगाओ थोड़ा सा और बच जाओ इतने सारे स्टेप्स करने से, शॉर्टकट में नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे 1/2 तो आई गए, उसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। लॉग ऑफ sec का क्या होता है, अभी बताया था, sec x प्लस tan x प्लस tan x, x प्लस π/3, ठीक है। थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं, हो गया, चलो। तो π/3 + c, तो ये हो गया आपका यहाँ आंसर। तो इसे एक बार जरूर नोट करना बेटा, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। 1, 2, 3 हो गया नोट। तो बच्चों यहाँ हमने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहे बच्चों, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।